तो राम से करूं तो कहां से करूं बताइए, बड़ा मुश्किल है जनाबे आली। बहुत वैसे तो आपको देख रहा था मैं, आपसे परिचय जानना चाहता हूं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। खड़े होंगे, ताली बजाइए। क्या उम्र है साहब? मैं 72 से आगे चल रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, मतलब ठंड बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंड जी। हुजूर, मेरा नाम मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। फिर से मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अपने को त्रिवेदी कहते थे, आज आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, और मुझे मालूम था कि मेरी शिकस्त मेरे शहर में ही होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि बाप जो है बेटे के सामने हार जाए तो कोई बहुत अच्छा होता, बाप को बड़ा सुकून मिलता है, और आज सच में मुझे बड़ा सुकून मिल रहा। नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। जय श्री राम। और मेरे 3 प्रोग्राम जद्दा में भी हुए, वेद और कुरान पे। जद्दा में? जी जद्दा में, 2008 में। भाई एक काम करेंगे आप, क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य रविंद्र योगी। कुर्सी आप उठाएंगे आचार्य जी, और इनको यहाँ पे बैठा लेंगे यहाँ पे। वाह क्या बात है, आचार्य जी आप लाइए कुर्सी, और आचार्य जी बिछाइए कुर्सी, और जनाब नीचे करिए, रस्सी वस्सी सब नीचे कर दीजिए। अरे पकड़ो ना, लखनऊ के नहीं हो लग रहा है। आइए जनाब, अब आप यहाँ लाइए। वाह जनाब, तो चतुर्वेदी क्यों रखा आपने नाम? हाँ ये इसकी एक, मैंने 20 साल तक पवित्र कुरान का और वेदों का ग्रहण किया। तो क्या निकला उससे? 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, 18 पुराणों को पढ़ा, श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुण पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभुषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। मैंने कहा पुराण जो है वो सबसे आखिरी पुराण है, भविष्य पुराण नहीं, कल्कि पुराण। कल्कि पुराण अच्छा, जी, जो कल्कि अवतार, जो कल्कि अवतार जो होगा, पूरी दुनिया को अंधकार से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने वाला कल्कि अवतार, उसके बारे में सारी उसकी विशेषताएं लिखी हैं। मुझे एक लाइन में अगर बताना हो कि राम को और ये सारा तमाम सारा जो वैदिक साहित्य पढ़ा, जो वैदिक वाङ्मय पढ़ा, उसमें निचोड़ अगर एक लाइन में आपको अगर बताना हो तो मैं आज जानना चाहता हूं चतुर्वेदी जी आपसे। अब देखिए, सबसे पहले तो ऋग्वेद का एक मंत्र हम आपसे सामने सुना रहे हैं, और ऋग्वेद का 3रा मंत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह ना नास्ते किंचन। ब्रह्म एक ही है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है, दूसरा कोई नहीं, नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन, किंचा भर भी नहीं। और दूसरा मंत्र है उसका एकम एवं अद्वितीयम, वो प्रभु अकेला है, दूसरा कोई नहीं, और यही पवित्र कुरान भी कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय लाइए और अपना सर रख दीजिए यही लाके, ये है। और कहां से कहां निकल गया कारवां। रुको रुको, क्या नाम है साहब आपका? पंडित विजय चंचल, मैं नोएडा से हूँ, समाज सेवी हूँ। क्या करते हैं, क्या करना यहाँ कैसे? मैंने नई आजादी का आंदोलन छेड़ा है। काहे का आंदोलन? तीसरा स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा? वर्तमान परिस्थिति और जो वातावरण भारत का हो रहा है, जो भारत बेड़ी बंधनों में है, और शिक्षा की, बेरोजगारी की, और तो करना क्या है आपको? मैं नई आजादी का बिगुल बजा दिया, 10 दिन से लखनऊ में पढ़ा रहे मेरा, मैं हल्के से निकल चुका हूँ, अकेला अकेला चलो रे, और अब देखता हूँ कितना कारवा आप जोड़ेंगे मेरा, मेरे भारत का, मेरी माता का, भारत माता का दर्द है मेरे हृदय में। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ पहले आ रहा हूँ। लोग कहते हैं अक्सर मेरे बारे में कि कहीं से बात कहीं का जोड़ देते हैं जाके। नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, दानिश्वर बैठा ही होता तो अच्छा लगता है। सब बैठ जाएंगे तो बैठ ही जाएंगे, अभी तो खड़े होने का समय। क्या बात है हुजूर, अभी तो खड़े होने का समय है। अब एक चीज मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ कि पवित्र कुरान में जो सबसे पहला चैप्टर है सूरह फातिहा जी, वेदों में भी इसी का बिल्कुल बराबर पैरेलल में 7 श्लोक है, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं सुनना भी चाहूंगा आपसे, हमारा आपसे वादा है कि मैं उनको सुनूंगा। ऋग्वेद की जो बात मैंने, आपने जो कहा जहां से शुरू होता, मैंने वो भी बोला,
बिल्कुल मुझे लगा कि ये वास्तव में ये बात सच है कि जाफरान के लिए आपको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, तशरीफ रखिए। लेकिन मैं आपसे कांग्रेस से जानना चाहता हूं, मैं डिबेट पे लौटता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि ये प्रोग्राम जो है आरएसएस और बीजेपी का है, उनकी यात्रा न्याय यात्रा शुरू है, एक यात्रा चल रही है मणिपुर से कांग्रेस की। मंगल हो, सुमंगल हो यात्रा का, खूब आनंद हो उस यात्रा में। और यही यही हमारी रीत और रिवाज रहा है, जब कोई यात्रा करे तो उसको बहुत सारी मंगल कामनाएं देनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें कहां कौन सी ऐसी बू आपको लग गई जो आपको आरएसएस और बीजेपी की ये प्रोग्राम लगने लगा, मैं ये जानना चाहता हूं। हम कल ही अयोध्या के दर्शन करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के करके आए हैं, और रामराज्य की अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोई नप अवसी नरक अधिकारी, जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। ठीक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रशस्त मार्ग पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, और भारत के नागरिकों के न्याय के लिए मणिपुर से मुंबई तक का सफर वो करने वाले हैं। हमने मणिपुर से मुंबई तक का सफर करने का मानस इसलिए बनाया कि जो भारत विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का देश है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय किया है बीते 10 वर्षों से। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, सवाल फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि आपको इसमें कहां से लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है? ये तो राम का प्रोग्राम है, सबको चलना चाहिए, सबको जाना चाहिए। आपको कैसे लगा? मैं आ रहा हूं, पर आराम से। हमने कहां कहा, हमने प्रस्ताव को नहीं ठुकराया। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सनातन परंपरा को, मर्यादा को और शास्त्रोक्त विधि विधान को ठुकरा दिया। बस यही तो प्रश्न हमारा था। हाँ, हाँ, आराम से, आराम से, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके जी। ये तो राम सेतु को भी नहीं मानते, और चुनावी चुनावी हिंदू बनते और मंदिर मंदिर माला पहन के घूमने लगते हैं। ये कैसे बताएंगे, ये कैसे बताएंगे? हाँ जी 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 हाँ जी। संसद में भाजपा के मंत्री बोले हैं राठौर जी कि राम सेतु काल्पनिक है, दोगले हैं ये। यहाँ प्रोग्राम करने आए थे, राममय होने आए थे, गजब के ये एंकर हैं, यहाँ पे आके दूसरा खेल करने लगे आके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात का सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ, ये प्रोग्राम तो राम मंदिर का बने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर के बनाने का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ये तो सारे जनमानस का प्रोग्राम है। हमने कहा राम मंदिर, देखिए कोई राग द्वेष नहीं है, हमारा आग्रह सिर्फ इतना है। अभी मेरे साथी ने राम सेतु का जिक्र किया, देश को जानना चाहिए। देश में भ्रामक प्रचार किया गया। भारतीय जनता पार्टी का 2000-2001 का बजट उठाकर देख लीजिए, सबसे पहले राम सेतु को तोड़ने का प्रस्ताव उसमें किया यशवंत सिन्हा जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी तमिलनाडु गए 1998